नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रयास मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज का गुना गुनी वाला सवाल कुछ करते हैं, ठीक है। गुना गुनी वाला देखिए, क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। दोस्तों 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, परसेंटेज ब्याज पूछा है। तो 6 गुना जब हो जाएगा तो परसेंटेज ब्याज कितना प्राप्त होगा। परसेंटेज ब्याज दोस्तों कोई जैसे मैं देखिए, आप 100 रुपया ब्याज पर लगाएं, ठीक है, आपको 200 रुपया उधर से मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो धन जो हो गया ना 200% हो गया, ठीक है। 200% जब धन हो गया तो इसका मतलब है कि 100% आपको ब्याज भी मिला है, ठीक है। तो देखिए तो 6 गुनी है, तो गुने 6 गुनी है ना, तो 6 में से 1 कम कर दीजिए, ठीक है, और 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 6 से गुना कर दीजिए, तो ये परसेंटेज ब्याज पता चल जाएगा। परसेंटेज ब्याज पता चल जाएगा, परसेंटेज ब्याज SI। 6 में से 1 गया, 5 500 हो गया। ये 500 जो हुआ ना परसेंटेज ब्याज हुआ। दोस्तों बताए हुए हैं कि प्रतिशत ब्याज होता है R × T, परसेंटेज ब्याज के लिए, ठीक है। प्रतिशत ब्याज में R से भाग देंगे तो T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R निकलेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको दर पूछा है, दर तो 500% ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो रेट पता होगा, रेट से भाग देंगे तो टाइम पता होगा। तो 20 वर्ष है तो 20 से भाग दिए 10 से 10 और 2 से कर जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% आपका रेट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन है देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों 4 गुना जब हो जाएगा तो परसेंटेज ब्याज 300% आएगा। 4 में से 1 गया ऐसे, ठीक है, तो 300% ब्याज पता हो गया। और हमको टाइम निकालना है, तो परसेंटेज ब्याज में R से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम से भाग देंगे तो R निकलेगा। तो देखिए 10% की दर है, 10% प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0, यानी कि 30 वर्ष में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों एक गुनागुनी वाला है, देखिए कोई धन साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखिएगा इसको बताए हुए हैं फॉर्मूला N1-1/N2-1 = T1/T2, ठीक है, फॉर्मूला बताए हुए हैं। तो N1 का मतलब पहला गुना, दूसरा N2 का मतलब दूसरा गुना, T1 का मतलब पहला टाइम, T2 का मतलब दूसरा टाइम। तो 12 वर्षों में 4 गुना, तो 4 गुना तो पहला जगह 4, यहाँ ले 4 गुना, 4 में से 1 = 3, ठीक है, बटा में N2। तो N2 देखिए कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना यानी कि 8 में से 1 यहाँ 8, 8 में से 1 = 7 बराबर T1। T1 तो दिया हुआ है 12 वर्ष, तो 12 बटा में T2 निकालना है, 3 × 4 = 12, इधर 1 बचा, तो T2 × 1 यानी T2 बराबर 7 × 7 = 28, यानी 28 वर्ष में वह ऑप्शन नंबर 4, 28 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आपको एक और रूल बताए हुए हैं इसका, साधारण ब्याज आप देख सकते हैं, इसका एक और रूल बताए हुए हैं, 4 गुना जब हो जाएगा तो इसका मतलब परसेंटेज ब्याज 300% प्राप्त होगा, ठीक है, परसेंटेज ब्याज। तो यहाँ रेट निकाल सकते हैं आप, तो परसेंटेज ब्याज 300 में भाग दीजिएगा आप टाइम से, तो 12 वर्ष भाग दीजिएगा तो रेट पता चल जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 28, 4 × 5 = 20, 3 × 7 = 25, 25 बार 25% रेट हो गया। तो पूछा है 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 8 गुना हो तो 700% ब्याज पता होगा, ठीक है, आप 25% से भाग दे दीजिए पता चल जाएगा समय। परसेंटेज ब्याज में पर आर से भागा तो टी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत करेगा ऐसे ही कर जाएगा, 25 × 50 = 50, 20 और 25 × 8 = 200, 28 वर्ष, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और है, कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना आ जाए। दोस्तों 5 वर्ष हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 में से 1 4 लिखाएगा, और नीचे में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना यानी कि 7, 8 में से 1 = 7 बराबर T1, T1 का जगह 20 वर्ष, T2 तो निकालना है, तब 4 × 5 = 20, इधर 1 बचा, T2 के गुना कितने 1, 7 × 5 इधर 35 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 20% की दर से कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 20% की दर से कितने गुना हो जाएगा। कुछ अगले पेज में है, हम इसी में लिख दिए हैं। देखिए
अच्छा एस आई क्या होता है? एस आई बराबर आर इंटू टी होता है, परसेंटेज ब्याज के लिए। देखिए समय दिया है 15 वर्ष, तब 15 टाइम परसेंट है 20%, तो आप यहाँ से एस आई ना निकाल सकते हैं, परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं। 15 दूना 30, 300% ब्याज पता हो गया दोस्तों। जब 300% ब्याज हुआ तो इसका मतलब है धन जो है ना 4 गुना हो जाएगा, ठीक है 4 गुना हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज अब 300 है तो इसका मतलब धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तब तो 300% ब्याज, 4 गुना रहता है तब ना 300% ब्याज होता है। कैसे? तो 4 में से 1 गया 3 और गुने 100, यही तो होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।